राइट्स ऑफ ए बेलर। हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज बेलमेंट, उसका मीनिंग, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ बेलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेलमेंट, ड्यूटीज ऑफ द बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली, ये 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं। सी द लेक्चर 4, दैट इज द राइट्स ऑफ द बेलर। गौरव अपनी बाइक गैरेज वाले को रिपेयर के लिए दे रहा है, तो गौरव के कौन से राइट है? आपने आपकी बाइक मुझे दिया है तो आपका कौन सा राइट है? आपकी चीज़ है, 1 महीने के लिए दिया था, आप पहले 1 महीने से पहले वापस मांग सकते हो। आपकी गाड़ी थी, आपने बोला था मैक्सिमम 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं और यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठ के जा रहे थे, तब वापस मांग सकते हो। तो फर्स्ट राइट ये है, आपने मुझे जो बाइक दिया था वो मैंने इनकंसिस्टेंट यूज़ किया है, तो आप टर्मिनेट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। एंड सेकंड, 1 महीने के लिए दिया था, उससे पहले आपको ज़रूरत है, आपकी चीज़ है, आप वापस ले सकते हो। सेकंड पॉइंट है, डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम। फर्स्ट पॉइंट है टर्मिनेट द बेलमेंट, सेकंड पॉइंट है डिमांड बैक द गुड्स। नाउ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। आपकी बाइक थी, आप बेलर थे, आपने आपकी बाइक मुझे दी थी, मेरी बाइक वहाँ नीचे पड़ी हुई थी और कोई बंदा आके उसको कुछ भी डैमेजेस पहुँचाता है, अपने यूज़ के लिए ले जाता है, रॉन्ग डूअर बोला जाता है। आप बेलर, मैं बेली, थर्ड पार्टी वो व्हीकल यूज़ करेगा तो रॉन्ग डूअर है, मेरे पोजेशन को इंटरफियर कर रहा है, तो आप उस पर स्यू कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, दोनों का प्रोपोर्शनेट राइट रहेगा। ये पॉइंट आपको डिटेल में आगे हम लर्न करेंगे, यहाँ तो सिर्फ रॉन्ग डूअर ऐसा हेडिंग करके दे छोड़ देंगे। आप बेलर हो, मैं बेली हूँ, आपने जो व्हीकल दिया हुआ था उसके लिए मेरी जो जो ड्यूटीज़ है वो मेरा मुझे परफॉर्म करना है, नहीं करूँगा तो आप मुझे स्यू करोगे, वो आपका राइट है। तो सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज इम्पोज अंडर अपॉन ए बेली। आप बेलर हो, आपका व्हीकल था, आपने मुझे दिया था, आपने कंडीशन डाला हुआ था, वो कंडीशन फुलफिल करना मेरी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी मैंने फुलफिल नहीं किया है, तो कोई भी ड्यूटी मैंने फुलफिल नहीं किया है तो उसके लिए आप मुझ पर स्यू कर सकते हो। मैंने रिजनेबल केयर नहीं रखा है, मैंने मिक्स गुड्स कर दिया है, अनऑथराइज यूज़ किया है, मैं वापस देने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अक्रिएशन आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरा टाइटल समझ के चल रहा हूँ, ये सब जो आगे हमने ड्यूटी देखी थी वो ड्यूटी मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, तो आप मुझ पर स्यू कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट है राइट टू क्लेम द कंपेंसेशन। फ्रेंड्स, सिर्फ समझ के नहीं, याद रखना है समझ के, हमारा यानी आपका यानी राइट्स ऑफ बेलर। बेलर का राइट क्या है? फर्स्ट वर्ड याद रखो, टर्मिनेट। सेकंड, डिमांड बेक। थर्ड, रॉन्ग डूअर। एंड फोर्थ, ड्यूटीज ऑफ द बेली परफॉर्म करवाना। एंड फिफ्थ वन है राइट टू कंपेंसेट। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेट वी सी इन डिटेल सेक्शन 153, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। यहाँ पे आपको बोला है आपने इनकंसिस्टेंट यूज़ किया है, क्या किया है? इनकंसिस्टेंट। बेली ने, आपकी गाड़ी थी, आपने मुझे दिया था, मैं बेली हूँ, आपने बोला था 2 स्टूडेंट ही बैठना, हम 4 स्टूडेंट बैठ के गए, इनकंसिस्टेंट यूज़ हुआ। टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मैंने यूज़ नहीं किया तो आप क्या करोगे? कॉन्टेक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, आप इमीडिएटली कैंसिल भी कर सकते हो, डैमेजेस भी मांग सकते हो। इनकंसिस्टेंट यूज़ में वॉइडेबल हो जाएगा, आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो। डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पे टर्मिनेशन देखेंगे। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे हो सकता है? टाइम ख़त्म होता है तो, पर्पस ख़त्म होता है तो, नोटिस दे के, डेथ हो जाता है तो, सब्जेक्ट मैटर लॉस होता है तो, ये टर्मिनेशन के पॉइंट है, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। नाउ राइट टू डिमांड बैक, सेक्शन 159, डिमांड बैक। लेट वी सी, डिमांड बैक द गुड, सेक्शन 159। देखो, आपका गुड्स है, आपने मुझे 1 महीने के लिए दिया था, 20 दिन के बाद वापिस मांग रहे हो।
लेट मी सी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स, दैट इज अ डिमांड बेक, आप मांग सकते हो। आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, आपने अपना गोल्ड मेरे घर पे रखा, ऑर्नामेंट्स मेरे घर पे रखा, सेफ कस्टडी के लिए रखा। आप एक महीने के बाद वापस आने थे, आप जल्दी वापस आ गए, एक वीक के बाद वापस आ गए, तो आप ऑर्नामेंट्स है वो वापस एक वीक के बाद मांग सकते हो। अल्दो मंथ हैज नॉट एक्सपायर्ड। टर्मिनेट के साथ याद रखो इनकंसिस्टेंट यूज है, टर्मिनेट के साथ यहाँ पे इनकंसिस्टेंट यूज है। एंड डिमांड बेक में बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम। देखो जब आप प्री मैच्योर टर्मिनेट करते हो तब आपने आगे भी देखा था, एक महीने के लिए गाड़ी दिया था आपने मुझे, 10 दिन के बाद वापस लिया है, 10 दिन में मैंने 10,000 का फायदा लिया है, 20 दिन पहले आप मांग रहे हो मुझे 15,000 का नुकसान हो रहा है, तो 5,000 आपको पे करना पड़ेगा, प्री मैच्योर रिटर्न। देखो लॉस है मोर देन बेनिफिट है, तो एट दैट टाइम बेलर हैज टू कंपेंसेट द बेली। डिमांड बेक कर सकते हो, आपका राइट है, लेकिन मेरा राइट है कंपेंसेशन लेना, तो वो आपका ड्यूटी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट था टर्मिनेट, टर्मिनेट में इनकंसिस्टेंट यूज मैंने किया, आपने वापस ले लिया। सेकंड पॉइंट हो डिमांड बेक, आप बाहर गए थे जल्दी आ गए तो मुझसे वापस ले लिया। एंड थर्ड है रॉन्ग डूअर, जो डिटेल में हम आगे देखना है, सेक्शन 180-181 नेक्स्ट पेज पे है। इंटरफियर इन द पोजेशन ऑफ द बेली हुआ है तो उस पर सी हो सकता है, बेलर एंड बेली का प्रोपोर्शनेट राइट रहेगा, राइट टू सू द बेली। मेरी जो जो ड्यूटी है, रीजनेबल केयर लेना, अनऑथराइज यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, गुड्स रिटर्न करना, अक्रिएशन दे देना, एंड लास्ट वन टाइटल आपका है वही क्लियरली बोलना, वो कोई भी लायबिलिटी में मैंने डिफॉल्ट किया है तो आप यानी बेलर बेली पे स्यू कर सकते हैं। राइट टू कंपेंसेशन, अनऑथराइज यूज किया, अनऑथराइज मिक्स किया गुड्स को, तो आप मुझ पर कंपेंसेशन मांग सकते हैं। आपका मिल्क था वो अमूल गोल्ड था एंड मेरा सिल्वर था, आपका मिल्क मेरे मिल्क में मैंने मिक्स कर दिया तो सेपरेट डिवीजन नहीं हो सकता है, आप मुझसे कंपेंसेशन मांग सकते हो। आपका व्हीकल था, दो ही बंदों को चलाना था और ट्रिपल सवारी में चल रहा था और कैमरे में आ गया, आरटीओ का नोटिस आया, वो पेमेंट आप मुझसे ले सकते हो। राइट टू कंपेंसेशन अनऑथराइज यूज का, अनऑथराइज मिक्सिंग का, आपको कुछ भी नुकसान होगा तो आप मेरे से ले सकते हो। यहाँ पे हमने राइट्स ऑफ बेलर देखा था, फर्स्ट पॉइंट टर्मिनेट, सेकंड पॉइंट डिमांड बेक, थर्ड पॉइंट रॉन्ग डूअर, फोर्थ पॉइंट स्यू द ड्यूटी ऑफ द बेली, एंड फिफ्थ पॉइंट कंपेंसेशन। ये आपके राइट्स थे, अभी मेरे राइट्स क्या है वो तो देखो। आपका व्हीकल आपने मुझे दिया था, आप बेलर थे, मैं बेली हूँ, तो मेरे राइट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। मैंने अभी जॉइंट ऑनरशिप वाली प्रॉपर्टी रक्षित एंड जतिन के पास पार्टनरशिप में कार लिया हुआ था, वो कार मैंने उससे रेंट पे लिया, तो वो कार मैं आइदर ऑफ द वन, दो में से कोई एक को वापस दे दूंगा तो भी ये डिलीवरी वैलिड है, मेरा राइट है जॉइंट ऑनर प्रॉपर्टी में, मैं कोई भी एक ओनर को वापस दे सकता हूँ। राइट्स ऑफ बेली, डिलीवर द गुड्स टू जॉइंट बेलर टू एनी वन, जॉइंट प्रॉपर्टी है, कोई एक को आप वापस दे सकते हो, राइट टू डिलीवर है एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, कोई भी एक को आप वापस दे सकते हो। यहाँ पे देखो ABC जॉइंट ओनर है, वो हार्वेस्टिंग कंबाइन, ABC जॉइंट ओनर है, हार्वेस्टिंग कंबाइन उनके पास पड़ा है जो फार्मिंग में यूजफुल होता है, और डी ने हायर किया है, डी है वो बेली है, ABC बेलर है, ABC जॉइंट ओनर है। एक मंथ खत्म होते ही डी ने वापिस दिया, किसको दिया, वन ऑफ द जॉइंट ओनर, किसको दिया, वन ऑफ द
जॉइंट ऑनर ए बी सी, जॉइंट ऑनर ए बी सी, बेलर डी बेली, बेली कोई एक को वापस देगा तो उसने सही तरीके से वापस दिया है ऐसा माना जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन 166, राइट टू आइडेंटिफाई। देखो आपने आपकी चीज़ नहीं थी और किसी की चीज़ मुझे दे दी, आपका बेलमेंट करने का राइट ही नहीं था और आपका वो गुड्स वापिस लेने का राइट नहीं था। क्या बोला है देखो, बेलर नॉट इंटाइटल, पेज नंबर 139 में फर्स्ट लाइन में बोला है नॉट इंटाइटल, और नॉट इंटाइटल टू रिसीव बैक द गुड्स, और नॉट इंटाइटल टू गिव द डायरेक्शन। बेलर बेलमेंट भी नहीं दे सकता, वापिस भी नहीं दे सकता और किसी को भी नहीं दे सकता, उसका मतलब बेलर इज नो टाइटल। 1.39 का सेकंड लाइन, बेलर के पास टाइटल ही नहीं था और मुझे मालूम नहीं था, मैंने गुड फेथ में आपके पास से वो ले लिया था, डिलीवर्ड बैक भी कर दिया था, आपने बोला था कि नहीं नहीं ये तो आप सूरज को दे देना, तो मैंने सूरज को भी दे दिया था, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। टू द ओनर आएगा, कुछ भी सीव करेगा, तो बेली है वो सब एक्सपेंस बेलमेंट के पास से भी ले पाएगा। राइट टू बी आइडेंटिफाई, डिफेक्टिव टाइटल है जतिन का, उसने मुझे गुड्स दे दिया, मुझे मालूम नहीं था, मैंने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ जतिन यूज़ कर दिया, ट्रू ओनर ने मेरे पे स्यू किया है तो उसके सब एक्सपेंस मैं जतिन से ले सकता हूँ। सेम वे अगेन थर्ड, राइट टू क्लेम द कंपेंसेशन, ये बेली के राइट थे, हम बेली के राइट देख रहे थे, बेली का फर्स्ट राइट क्या है, डिलीवर टू द वन ऑफ द जॉइंट ओनर, डिलीवर टू द वन ऑफ द जॉइंट ओनर। सेकंड राइट क्या है, सेकंड राइट है राइट टू आइडेंटिफाई, राइट टू आइडेंटिफाई, आपके पास टाइटल नहीं था, आपने मुझे दे दिया, मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो आपको पे करना पड़ेगा। लेट मी सी, सेकंड पॉइंट टाइटल का था, थर्ड पॉइंट फॉल्टी, डेंजरस नेचर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क है, आपने मुझे बताया नहीं हो, मुझे लॉस हुआ है तो वो लॉस मैं आपसे ले सकता हूँ। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में ओनली अवेयर, एंड नॉन ग्रेटिट्यूस में अवेयर एंड नॉट अवेयर बोथ, राइट टू क्लेम द कंपेंसेशन इन केस ऑफ ए फॉल्टी गुड्स। आपने मुझे हॉर्स दिया था और हॉर्स है वो विशियस था, आपने मुझे बताया नहीं है, उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, जो आपको नॉन मालूम ही था, आपको मालूम ही था, आपने नहीं बताया है तो आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड लाइन में बोला है हायर पे लिया हुआ था, आपको मालूम नहीं था और आपने फॉल्ट नहीं बताया है तो भी आप लायबल है। हमने ड्यूटीज में सेकंड पॉइंट जो देखा था, ग्रेटिट्यूस है तो ओनली अवेयर एंड नॉन ग्रेटिट्यूस है तो अवेयर एंड नॉट अवेयर, बोथ के लिए आप लायबल है, आपकी ड्यूटी है एंड मेरा है वो राइट है। तो बेली के राइट्स में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था डिलीवर द गुड्स टू जॉइंट ओनर, डिलीवर टू गुड्स टू जॉइंट ओनर। सेकंड पॉइंट है राइट टू आइडेंटिफाई, थर्ड पॉइंट है कंपेंसेशन इन केस ऑफ ए फॉल्टी गुड्स, अगेन नेसेसरी एक्सपेंसेस, ग्रेटिट्यूस है तो नेसेसरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉन ग्रेटिट्यूस है तो ओनली एंड ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ ग्रेटिट्यूस का ही बोला है, नेसेसरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों एक्सपेंसेस वो बेलर को बेली को पे करना पड़ेगा। आप अपना अपने काम से व्हीकल मुझे दे रहे हो तो उसका पेट्रोल भी आप मुझे दोगे और उसके रिपेयर चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन मैं हायर पे लेके गया हूँ तो पेट्रोल मुझे पे करना है और एबनॉर्मल जो रिपेयर चार्जेस है वो आपको पे करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, सूरज ने जतिन को अपना टीवी रिपेयर करवाने के लिए दिया था और जतिन ने मुझे वो हायर पे दे दिया, बाद में सूरज मेरे पास लेने के लिए आया, मैंने बोला ये तेरा नहीं जतिन का है, सूरज ने बोला मेरा है, जतिन ने बोला मेरा है, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट को बोला डिसाइड करो इस दोनों में से किसका है, बाद में मैं वापिस दूंगा, बेली का राइट है, कोर्ट को अप्लाई करे, डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो गुड्स का टाइटल डिटरमाइन हो पाए, गुड्स बेल्ड आर क्लेम अदर देन बेलर, अदर देन बेलर, दूसरे का गुड्स उसके पास पड़ा था और
मुझे दे दिया तो मैं कोर्ट को अप्लाई करूँगा, भाई ये किसका है वो डिसाइड करो, डिलीवरी मांगेगा तो मैं स्टॉप डिलीवरी करूँगा, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक मैं गुड्स वापिस नहीं दूंगा। एग्जाम्पल दिया है, ए है वो टीवी डीलर है, उसने बी को गुड्स दिया था, आफ्टर दैट सी क्लेम दैट बिलोंग टू हीम ओनली। देखो भाई, ए ने गुड्स दिया था, किसको दिया था, बी को, और बाद में सी ने बोला ये ए का नहीं है मेरा है। एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, बी शुड डिलीवर टू हीम, बट बी में अप्लाई टू द कोर्ट, डिसाइड द क्वेश्चन वो किसका है, ए का है या सी का है, गुड्स किसने दिया था, ए ने, किसको दिया था, बी को। अभी कौन बोल रहा है, सी, ये गुड्स मेरा है, कोर्ट डिसाइड करेगी ये गुड्स ए का है या सी का है, बी हैज अ राइट टू अप्लाई फॉर द टाइटल ऑफ द गुड्स। एंड नेक्स्ट टू पॉइंट है जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन, वो भी हम आगे देखेंगे। सिक्स पॉइंट है पर्टिकुलर लियन, आपने गाड़ी दी हुई थी और गाड़ी का रिपेयर हो गया, आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं और मैं बेली हूँ, गैरेज वाला हूँ, तो आपको गुड्स वापस नहीं दूंगा, तो वो हुआ पर्टिकुलर लियन। जो गुड्स पे काम हुआ है वही गुड्स मैं वापस नहीं दूंगा, तो पर्टिकुलर लियन। प्रीवियस कोई बैलेंस आपकी बाकी है, प्रीवियस कोई लोन बाकी है, अभी का आपका एफडी पड़ा है, वो एफडी में लोन के सामने सेट ऑफ लूंगा, तो वो होगा जनरल लियन। हम लास्ट में ये टॉपिक ख़त्म होते ही उसका डिफरेंस है वो लर्न करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन का डिस्टिंग्विश आपको पूछा जाता है। बैंकर है, फैक्टर है, वॉलफिंगर है, ये सब जनरल लियन यूज़ करते हैं। जनरल अकाउंट बैलेंस होती है, आपका फर्स्ट लोन है, सेकंड लोन है, फर्स्ट आपने भर दिया है लेकिन उसकी सिक्योरिटी पड़ी हुई है, तो फर्स्ट लोन की सिक्योरिटी आप सेकंड लोन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो।